सो मेरे भाई कैसे हो आप सब। आप लोग देख रहे होंगे मेरा पर्सनालिटी, आप लोग कैसा है मेरा, बट ये मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के लिए वो मैटर करता है। दोस्तों मैं बिना फ्लैश लाइट के ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसा रिव्यू मिलता है मुझे। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स न्यू वैकेंसी की जो प्लेस रिप्लेस वाली बात है उसको लेकर के बात करने वाला हूँ कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कितनी क्या सच्चाई है, असली वजह क्या है, क्या वाकई में हम लोगों के साथ मजाक हो गया है, वो सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डिफेंस पोर्टल बहुत ही अच्छा नाम है चैनल का और इसी तरह से अपडेट डिफेंस से ही रिलेटेड अपडेट मैं इस वीडियो में इस चैनल पर लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, इंडियन एयरफोर्स नेवी और NDA से रिलेटेड। सो आप लोग इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि मेरा जो हॉबी था, जो मेरा लक्ष्य था, वो धीरे धीरे मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। सो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना। इंटेक 2021 की जो वैकेंसीज थी वो उसको गायब कर दिया गया है एयरफोर्स की ओर से फाइनली, और इंटेक 2021 को ही रिप्लेस करके 2021 कर दिया गया है, और जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट डिप्रेस हो गए हैं, उनको यानी कि क्या कहते हैं वो टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट पिछले साल किसी रीजन से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे और उन्होंने ये सोच रखा था कि मैं 2021 सेकेंड इंटेक के लिए जो वैकेंसी आती है 2021 के सेकेंड इंटेक के लिए उसका फॉर्म फिलअप करूँगा, उनका वेट कर रहे थे वो, बट एयरफोर्स ने खेल गया। एयरफोर्स बिल्कुल नहीं खेला आप लोगों के साथ, एयरफोर्स की मजबूरी थी, कोविड-19 ने सबको परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से उनको भी ये करना पड़ा है, उनको भी ये फैसला लेना पड़ा है कि वो वैकेंसी यानी कि सिंपल सीधी बात में कि जो 2020 की फर्स्ट वैकेंसी थी उसको 2020 की सेकंड वैकेंसी कर दी है, और जो सेकंड वैकेंसी आती थी वो नहीं आएगी आप लोगों के लिए, 99% चांस है कि नहीं आएगी, ठीक है, 1% चांस है कि अब शायद दोबारा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का किया जाए और वो 2021 के सेकेंड इंटेक के लिए वो अपीयर होंगे फाइनली, ठीक है। सो इस वीडियो में यही बताने वाला था आप लोगों को कि जो 2021 की फर्स्ट इंटेक थी उसको सेकंड इंटेक कर दिया गया है इसी एग्जाम को, जो 4 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक हम लोग का शेड्यूल रखा गया है, फाइनली जो एग्जाम डेट आई थी, जो PDF आप लोग कल देखे होंगे, आप सभी देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो CASB का ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप लोग देख लेना PDF डाउनलोड करके, उसी में सब कुछ छुपा हुआ, उसमें एग्जाम डेट दिया गया है कि 4 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक आप लोग का एग्जाम शेड्यूल्ड है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है स्टार का 2021 का, उसी को 2021 कर दिया गया है, वही 2021 एग्जाम को फाइनली, और उसी में आप लोग का जो है अधिकरण वो जो होता है प्रोसेस वो कंप्लीट किया जाएगा। 2021 की जो बात रही कि वैकेंसी जो सीट खाली रह जाएगी, तो बिल्कुल सीट खाली नहीं रहेंगी, एयरफोर्स ने पहले ही वो उतना दिमाग लगा चुका है, उन्होंने हर स्टेट में एयरफोर्स की रैली भर्ती को कंडक्ट करके वो जो सीट फुल कर दिया अपना पहले, ठीक है, भले ही उसको मजाक बना दिया, हर स्टेट से 150-200 के आसपास कैंडिडेट फाइनली एकेडमी को ज्वाइन करेंगे एयरफोर्स का, लेकिन वो अपना सीट पूरा कर लेंगे हर स्टेट से 200-200 कैंडिडेट को लेकर के, उनको बिल्कुल उसकी परवाह नहीं है, बट उनको ये सोचना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो जिनका 80% से कम मार्क है, जो 70% 65% वाले जो स्टार के लिए वेट कर रहे थे उनके साथ उन्होंने मजाक कर दिया है, ठीक है, अब भर्ती उनका यानी अचानक सा रुक गया है उनका, क्योंकि वो इनका वेट कर रहे थे और उनको एक कल जो इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स ने दी उसमें उन्होंने उनको शॉक्ड कर दिया है बिल्कुल, कि एक अवैध इंटेक 2021 को 2021 कर दिया गया। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, इसी तरह से मैं जो भी अपडेट होगी वो मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही, बस अभी शुरुआत है थोड़ा सा, बिल्कुल पर्सनैलिटी देख ही रहो, सब कुछ देख रहा हूँ, पीछे का बैक कैमरा देख रहा हूँ, सब कुछ वैसे ही बिना फ्लैश लाइट के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जय हिंद जय।